वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रेडी। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इफ़ एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय सी माइनस आयोटा डी, तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हमने नोट किया है। आपको पता है अगर रूट में कोई इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं वन। नाउ ऑन रैशनलाइजिंग क्या करेंगे हम, इसको रैशनलाइज इक्वेशन फर्स्ट को रैशनलाइज करेंगे। तो देखिए एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी रैशनलाइज करेंगे। सी माइनस आयोटा डी है तो किससे करेंगे, सी प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई और सी प्लस आयोटा डी से डिवाइड, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है ये। तो देखिए एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू, अब ए माइनस आयोटा बी की किससे मल्टीप्लाई होगी, सी प्लस आयोटा डी से। और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पहले जो वीडियोज़ किए हैं हमने, ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए क्या है आपका सी और बी क्या है आपका डी, तो यहाँ से आपके पास सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर हो जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। नाउ अब देखिए हमें इस रूट को हटाना है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए की किससे करनी है, सी प्लस आयोटा डी से, और माइनस आयोटा बी की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, सी प्लस आयोटा डी के साथ, और डिवाइड में क्या है, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ये आया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए की सी से क्या आएगा आपके पास, ए सी, और ए की आयोटा डी से ए आयोटा डी, माइनस आयोटा बी की सी से माइनस आयोटा बी सी, माइनस आयोटा बी की आयोटा डी से ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वेयर बी डी, डिवाइड में क्या है, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और ये क्या है यहाँ, एक्स माइनस आयोटा वाई। नाउ अब देखिए एक्स माइनस आयोटा वाई क्या हो गया, स्क्वेयर रूट ए सी, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है आपके पास, वो होता है माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन रखेंगे, माइनस माइनस वन बी डी, डिवाइड में क्या है आपके पास, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब क्या हो गया, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, ए सी एज इट इज़, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया यहाँ, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी डी, डिवाइड में क्या है, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करते हैं, तो एक्स माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल हो गया, ए सी प्लस बी डी प्लस में आयोटा, अब इसको नोट कर लेते हैं, ए डी माइनस बी सी, पहले हमने इनको नोट किया है, डिवाइड में क्या है, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। नाउ अब हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद यहाँ स्क्वेयर आया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वेयर रूट है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, स्क्वेयर ये इससे कैंसिल हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वेयर क्या होगा, एक्स का स्क्वेयर प्लस आयोटा वाई का स्क्वेयर माइनस टू एक्स आयोटा वाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ये ए है और ये आयोटा वाई आपका बी है, किसके इक्वल आ चुका था आपका, ए सी प्लस बी डी, स्क्वेयर रूट हट गया था, आयोटा ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। नाउ अब इसको हम ओपन करते हैं, एक्स स्क्वेयर आयोटा का स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स आयोटा वाई, तो ये क्या हुआ, ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे हम, और डिवाइड में हम जो डिनोमिनेटर पर है सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर उसको भी हम सेपरेट करके लिख देंगे। अब आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, माइनस वन इंटू में वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स आयोटा वाई, ये किसके इक्वल है, इसको हम एज इट इज़ नोट करेंगे, प्लस में आयोटा ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय
सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब देखिए ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो गया, ये क्या हो गया 2x आयोटा वाई, ये किसके इक्वल आ चुका है अब आपके इसके। अब देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लेंगे, दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, तो करते हैं ये रियल है इधर ये रियल है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। और जो ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा यहाँ से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2xy माइनस है साथ में, और ये किसके इक्वल होगा ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। लेकिन हमें एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए हैं, हमें चाहिए हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता है, आपने क्लास टेंथ में भी किया होगा, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस 4ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना अगर आपको नहीं पता। और ये आया कैसे देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ से अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर रही हूँ माइनस। ठीक है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab तो एज इट इज़ ये माइनस करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2ab, ये कैंसिल हो गए, इससे ये क्या रह गया 4ab। अब देखिए ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, इसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, वहाँ जाके प्लस हो गया और प्लस में 4ab। देखिए यही वाला फॉर्मूला हमें क्या करना है यूज़, तो इस फॉर्मूले को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ ए क्या लेकर चलेंगे हम एक्स स्क्वेयर और बी क्या लेकर चलेंगे वाई स्क्वेयर। तो देखिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ठीक है इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस 4ab। मैंने क्या कहा है ए को एक्स स्क्वेयर है इधर और जो बी है वो आपका क्या है वाई स्क्वेयर। अभी अभी एक रिज़ल्ट आया था जिसमें क्या था रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हमने कंपेयर किया था एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल था ए सी प्लस बी डी बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और माइनस 2xy ये किसके इक्वल था ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ये था। लेकिन देखिए मैं यहाँ पुट करती हूँ ए को क्या रख दूँ एक्स स्क्वेयर और बी को क्या रख दूँ वाई स्क्वेयर, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा ए को रखो एक्स स्क्वेयर बी को रखो वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर इक्वल टू ए को क्या रखना है एक्स स्क्वेयर बी को क्या रखना है वाई स्क्वेयर प्लस में 4। ए क्या है एक्स स्क्वेयर और बी क्या है वाई स्क्वेयर, ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू, इस पूरे का क्या है होल स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास ये, इसको यहाँ पुट कर देते हैं ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, क्योंकि हमें देखिए प्लस में वैल्यू चाहिए थी इसकी, बट हमारे पास यहाँ किस में आ रही है माइनस में, तो प्लस में निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया बाय यूजिंग दिस। अब देखिए यहाँ से माइनस 2xy है लेकिन मेरे को यहाँ क्या चाहिए 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो यहाँ क्या करेंगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वेयर 4, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, वाई का क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर, और इधर भी हमने स्क्वेयरिंग किया तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कहाँ पुट करना है यहाँ, अब देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया बट यहाँ स्क्वेयर है बाहर तो क्या लगाना पड़ेगा स्क्वेयर प्लस में, अब इसकी वैल्यू रखेंगे कहाँ से यहाँ से, ये क्या है ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या लगाएंगे यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होगा यहाँ ए सी का होल स्क्वेयर प्लस बी डी का होल स्क्वेयर प्लस 2 ए सी बी डी,
क्योंकि ये a है, अब ये आपका b है, प्लस में यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस टू ए डी बी सी डिवाइड बाई क्या है, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और वो क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम हैं, और ये क्या हुआ ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये क्या हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इन दोनों को इकट्ठा रखते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस में क्या रह गया बाकी बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर, डिवाइड में क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की, तो यहाँ से हम क्या कॉमन, देखिए क्या करेंगे कहाँ से हमें सी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए, ठीक है यहाँ आपका बी स्क्वायर है ये, ठीक है अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन लिया ए स्क्वायर, तो क्या रह गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन लिया बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सी स्क्वायर और क्या रह गया डी स्क्वायर, डिवाइड में क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अब देखिए दोनों टर्म्स में से ये कॉमन लिया हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया आपके पास, डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया तो ये रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इक्वल में क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इसके इक्वल आ चुका है, बट आपको प्रूव क्या करना था इस ये स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ये इससे कैंसिल हो चुका है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही रिजल्ट आपको क्या करना था प्रूव, तो आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म, कह रहा है इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले आर की रिक्वायरमेंट होगी, आर किसके इक्वल होगा मॉडुलस उसका जेड का, जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हमें इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और फिर हमें थीटा निकालना है, थीटा क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, 1 प्लस सेवन आयोटा 2 माइनस आयोटा को हमने क्या मान लिया जेड, हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो देखिए सबसे पहले हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ये 2 माइनस आयोटा है इधर और इसका होल स्क्वायर है, तो मैं 2 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ माइनस है हमने रैशनलाइज किया है 2 प्लस आयोटा से, ठीक है रैशनलाइज कर दिया है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये है 1 प्लस सेवन आयोटा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए क्या है 2 और बी क्या है आयोटा, डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों के पास होल स्क्वायर है तो ये क्या हो गया 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पूरे की पावर क्या लग जाएगी 2। नेक्स्ट देखिए ये क्या हो गया 1 प्लस सेवन आयोटा, ये क्या हो गया 2 टू जा 4 और ये क्या होता है 1 2 टू जा 4, ये क्या हो गया 4 आयोटा, डिवाइड में क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लगाएंगे 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और पूरे का क्या दे रखा है आपको होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस सेवन आयोटा, ये क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, डिवाइड में क्या है 4 माइनस, ये क्या होता है माइनस 1, इसका पूरे का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1। अब देखिए 1 की करेंगे इससे 1 की पूरे से करेंगे तो ये क्या रह जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, अब 7 आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ 3 प्लस 4 आयोटा के साथ, डिवाइड में 4, ये क्या हो गया प्लस 1 हो गया इसका होल स्क्वायर, तो देखिए 3 एज इट इज़ प्लस 4 आयोटा, 7 3 जा 21 आयोटा, 7 4 जा
28 और आयोटा इंटू आयोटा दैट इज़ आयोटा स्क्वेयर डिवाइड में 25, क्योंकि यहाँ 4 और 1 क्या हो गया 5, 5 का होल स्क्वेयर क्या हो गया 25, तो 3 4 आयोटा और 21 आयोटा क्या होता है 25 आयोटा, ठीक है, और 28 का 8 आयोटा का स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1, तो -1 इंटू 28 क्या हो जाएगा -28 डिवाइड में 25 है, तो ये क्या आ गया -25 प्लस 25 आयोटा डिवाइड में 25। अलग अलग कर देते हैं डिनोमिनेटर को हम, तो आपके पास ये हो जाएगा 25 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये क्या हो गया -1 प्लस आयोटा। तो जेड कन्वर्ट हो गया है किस फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में क्या हो गया कन्वर्ट। अब देखिए यहाँ से, या फिर हम यूज़ करते आ रहे हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो हमें सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है, क्या होता है स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स क्या है आपका -1 का होल स्क्वेयर और वाई क्या है 1 का होल स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज़ रूट 2 हो गया। नाउ अब क्या निकालना है अल्फ़ा, थीटा निकालने के लिए, तो ये क्या होता है 10 इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन में एक्स, तो 10 इनवर्स, वाई क्या है आपका, ये क्या है आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1 और एक्स क्या है -1, तो ये क्या हो गया 10 इनवर्स 1 हो गया, क्योंकि ये -1 होगा, -1 का मोड क्या होता है 1। अब 1 वैल्यू कब होती है, ये होती है पाई बाय 4 पर दैट इज़ 45। तो देखिए जो अल्फ़ा है वो क्या आ चुका है आपके पास 10 इनवर्स 1, और ये कब होता है 10 45 दैट इज़ पाई बाय 4, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया पाई बाय 4, तो ये अल्फ़ा क्या आ गया पाई बाय 4। अब हमें देखना पड़ेगा जो जेड इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स क्या है -1 और वाई क्या है 1, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये +1 है, ये +1, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस के नेगेटिव साइड, ये इमेजिनरी एक्सिस के। अब देखिए एक्स क्या है -1 इधर और वाई क्या है +1, ये इधर आएगा पॉइंट, दैट मीन्स जो ये जेड इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा है वो कहाँ लाई कर रहा है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए जेड इक्वल्स टू जो ये -1 प्लस आयोटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जो थीटा होता है दैट इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वो क्या होता है आपका पाई माइनस अल्फा, अल्फा क्या आया अभी आपका पाई बाय 4, क्या आया पाई बाय 4, तो ये पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये क्या हो गया 3 पाई बाय 4, तो अल्फा आ चुका है, थीटा आ चुका है सॉरी, तो ये क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मॉडुलस जेड आया आपके पास क्या रूट 2 और थीटा क्या आया 3 पाई बाय 4। अब क्या करते हैं हम जेड इक्वल्स टू -1 आयोटा की क्या लिखते हैं पोलर फॉर्म, क्या लिखते हैं पोलर फॉर्म क्या है, जेड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। जो मॉडुलस जेड है वो आपका आर ही होता है दैट इज़ द डिस्टेंस, और ये कितना आया आपके पास रूट 2 इंटू में कोस थीटा, क्या है आपके पास 3 पाई बाय 4, इधर भी क्या रखेंगे 3 पाई बाय 4, तो ये आपका आंसर आ चुका है, हमने उसको क्या कर दिया है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अनदर पार्ट दैट इज़ द सेकेंड पार्ट, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जेड हमें ये गिवन है, हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो वही जो हमने इसके पहले पार्ट में अप्लाई किए थे वही रूल्स अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं रैशनलाइज, ये 1 प्लस 2 आयोटा से क्या हो जाएगा रैशनलाइज। अब देखिए 1 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा से, और 3 आयोटा की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा से, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ a माइनस आयोटा b है ये, और ये क्या है a प्लस आयोटा b, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, तो ये इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, ये तो एज इट इज़ रह गया क्योंकि 1 से किया है, 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा दैट इज़ 6 आयोटा स्क्वेयर डिवाइड में क्या हो गया ये 5 1 स्क्वेयर 1 2 स्क्वेयर 5। अब देखिए 1 प्लस 2 आयोटा ये क्या है 3 आयोटा, ये क्या हो गया 6 इंटू -1 डिवाइड में क्या है 5। अब देखिए इधर 1 और ये क्या हो गया -6 क्या हो गया -5, और ये क्या हो गया 3 और 2 आयोटा ये क्या हो गया 5 डिवाइड में क्या है 5, तो ये क्या हो गया -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइड में 5, तो -5 बाय 5
प्लस में क्या हो गया, 5 आयोटा बाय 5 हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, ये क्या हो गया माइनस 1 प्लस आयोटा। अब देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है जो आपका पार्ट फर्स्ट में बन रहा था, तो इसका आंसर भी क्या आएगा सेम, हम पीछे वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे और सेम हमारा यही आंसर आ जाएगा इस सेकेंड पार्ट का। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है हमें सोल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो हम क्यों ना यहाँ एलसीएम ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x स्क्वेयर और ये क्या हो जाएगा 12x, एलसीएम ले रहे हैं तो वो क्या आया 3 प्लस में 20 इक्वल्स टू जीरो। अब इस 3 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 9x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कर लेते हैं कंपेयर, ए क्या है 9 और बी क्या है माइनस 12 और सी क्या है 20। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी क्या है आपका माइनस 12 का स्क्वेयर माइनस 4, ए क्या है आपका 9 और सी क्या है आपका 20। तो ये होता है 144 इसका होल स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा आपके पास 720, 36 इंटू 20 क्या हो गया 720, ये डिवाइड में। अभी तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू, तो ये क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अभी अभी हमने इसको फाइंड आउट किया है और ये कितना आया आपके पास 144 माइनस 720 और ये कितना होता है आपके पास 576 माइनस का। तो b देखिए आपके पास क्या है, ये माइनस यहाँ है और b की वैल्यू है माइनस 12 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास ये रूट एज इट इज़ माइनस 576 डिवाइड में क्या है 2, a क्या है आपके पास 9। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया प्लस का 12 प्लस माइनस, रूट में क्या है यहाँ 576 किसका स्क्वेयर रूट होता है 24 का। तो ये देखिए माइनस 1 तो स्क्वेयर रूट एज इट इज़ रह गया और ये 576 को बाहर लेकर आएंगे तो कितना आ गया 24 डिवाइड में क्या आया 18। अब देखिए स्क्वेयर रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो ये 12 एज इट इज़ प्लस माइनस आयोटा 24 डिवाइड बाय 18। अब क्या करेंगे हम न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा 6 कॉमन लिया तो 6 टू जा क्या होता है 12, यहाँ 2 रह गया। अब देखिए 6 3 जा क्या होता है 24, तो आयोटा 3 रह गया डिवाइड में क्या है 18, तो 6 1 जा 6 6 3 जा क्या हो गया 18। तो आपके पास क्या आए रूट्स 2 प्लस माइनस आयोटा 3 बाय 3। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को क्योंकि हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय 3 प्लस माइनस आयोटा 3 बाय 3 6 4 जो 24 होता है, तो यहाँ 4 आएगा, क्या आएगा 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है आपके पास, आपको क्या करना है इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपके पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0। फिर से इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2x स्क्वेयर, 2 की 2 से करेंगे माइनस 4x प्लस में 3 एज इट इज़ क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है इक्वल्स टू 0। इस 2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। नाउ अब हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आई 2 और बी की वैल्यू यहाँ से क्या आई माइनस 4 और सी क्या आया आपके पास 3। अब क्या करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac बी का स्क्वेयर, दैट मीन्स क्या हो गया माइनस 4 का स्क्वेयर माइनस 4, ए क्या है आपके पास 2 और सी क्या है आपके पास 3। 4 4 जा क्या होता है 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या होता है 24, तो माइनस 24, 16 माइनस 24 क्या होगा माइनस 8। दैट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका क्या आ रहा है लेस देन 0, दैट इज़ माइनस 8। दैट मीन्स जो रूट्स आएंगे आपके पास वो कैसे आएंगे,
तो देखिए रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू 2 आई थी, बी की वैल्यू -4 और सी क्या आया था 3 और जो डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या आया था -8। तो करते हैं एक्स क्या होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइड में 2 इंटू ए क्या होता है इधर ए होता है तो बी की वैल्यू क्या हो गई -4 प्लस माइनस ये क्या आया था रूट में क्या आएगा -8 क्योंकि इसकी वैल्यू -8 आ चुकी है डिवाइड में क्या है 2 इंटू 2 तो ये क्या हो गया प्लस का 4 हो गया यहाँ प्लस माइनस और ये क्या हो गया आयोटा क्या हो गया माइनस का आयोटा और 8 का रूट क्या होता है 2√2 8 का रूट क्या होता है 2 2 जा 4 2 4 जाए 2 2 जा 4 तो ये 2 बाहर आ जाएगा 2√ में रह जाएगा डिवाइड में क्या है 4। अब क्या करते हैं हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या रह गया यहाँ 2 प्लस माइनस आयोटा ये भी 2 हमने कॉमन लिया तो क्या रह गया 2 डिवाइड में 4 है 2 1 जा 2 2 2 जा। तो देखिए ये क्या आया 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 2 ये रह गया डिवाइड में क्या है 2 तो हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 2/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसको भी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको इस इक्वेशन को क्या करना है सोल्व। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसको क्या करेंगे कंपेयर। तो ए यहाँ क्या हो जाएगा 27, बी क्या हो जाएगा यहाँ -10 और सी क्या है 1। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे ये क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी क्या है आपके पास यहाँ है -10 का होल स्क्वेयर -4। ए क्या है 27 और बी क्या है 1। -10 का होल स्क्वेयर 100, 27 जा क्या होगा 108। तो ये क्या आया -8। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है <0। दैट मीन्स आपके पास कैसे रूट्स आने वाले हैं इमेजिनरी। अब फाइंड आउट करते हैं बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। बी क्या है आपके पास -10 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास -8 और ये क्या हो गया 2 इंटू ए। ए क्या है 27। तो देखिए ये क्या हो गया +10 और ये प्लस माइनस में ये क्या हो गया रूट -8 आयोटा 2√2 क्योंकि रूट -1 को क्या लिखेंगे आयोटा और 8 का रूट क्या होता है 2√2 डिवाइड बाय 2 इंटू 27। न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या रह जाएगा यहाँ 5 और यहाँ ये 2 चला गया तो क्या रह गया आयोटा रूट 2 डिवाइड में क्या है यहाँ 2 इंटू 27। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास रूट्स क्या आ गए 5/27 प्लस माइनस आयोटा रूट 2/27। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या है कह रहा है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 21x² -28x +10 = 0। ऐसे ही कंपेयर करेंगे हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो ए क्या हो गया यहाँ 21, बी क्या हो गया यहाँ -28 और सी क्या हो गया 10। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए x = -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइड में 2a। तो b क्या है यहाँ हमारे पास -28 प्लस माइनस बी का स्क्वेयर मतलब 28 का स्क्वेयर -4 इंटू ए क्या है आपके पास 21 और c क्या है 10 डिवाइड में क्या है 2 इंटू ए। ए क्या है 21 तो ये क्या हो गया 28 हो गया -- +28। नाउ अब देखिए 28 का स्क्वेयर होता है 784। अब देखिए 4 की 21 से कितना हो गया 84 की 10 से क्या हो गया 840 डिवाइड में क्या है 2 इंटू 21। तो देखिए यहाँ से 28 प्लस माइनस ये क्या रह गया आपके पास -56 क्या रह गया -56 डिवाइड बाय 2 इंटू 21। तो आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ तक आ चुका है हमारे पास। अब देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से तो ये क्या हो जाएगा रूट में से 2 कॉमन आएगा दैट मीन्स क्या आएगा 4 कॉमन आएगा या हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 28 एज इट इज़ प्लस माइनस रूट में नेगेटिव क्या हो जाता है आयोटा 56 का रूट होता है आपके पास 2√40। देखिए 56 2 28 जा 2 14 जा तो ये 2 क्या आ जाएगा बाहर और रूट में क्या रह जाएगा 14 डिवाइड में क्या है 42। अब देखिए ये क्या हो गया 2 कॉमन लिया ये क्या हो गया 14
और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये क्या है रूट 14 और डिवाइड में क्या है 42। अब इससे कट करेंगे क्या हो गया 21। तो ये क्या रह गया x इक्वल्स टू 14/21 प्लस माइनस आयोटा रूट 14/21। तो ये हो गया 7 × 2 = 7, 3 = 7, 2/3 प्लस माइनस आयोटा रूट 14/21। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑफ चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज के। थैंक यू।